गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आज वाकई में गुड मॉर्निंग हो रही है। सुबह का हो रहा है 11:30 और हो चुका है हमारा 1 घंटे का वर्कआउट कंप्लीट। तो जो हम कल बोल रहे थे कि हमें कोशिश करनी कि दिन की स्टार्टिंग जल्दी करें, आफ्टरनून से मॉर्निंग पे आ जाएं, आज हम आफ्टरनून से मॉर्निंग पे आ गए हैं। आधे घंटे में हमारी मीटिंग, हम उठ गए थे सुबह करीब 9:30 बजे और हमने वर्कआउट कम्प्लीट किया है अभी 11:30 बजे। और स्टेप्स मैंने नहीं देखे, ना मैं अभी देखूंगा। मेरा टारगेट है 20,000 स्टेप्स का, मैं उसे कम्प्लीट कर लूँगा आज। और हमारे जो कैलोरीज बने उसका टारगेट है 960 कैलोरीज, उसको भी कोशिश करेंगे टच करें। डाइट वही रहेगी, बॉडी में मूवमेंट रखना। आज मंडे है, डे रहेगा बहुत ज़्यादा बिजी, तो चैलेंजिंग होगा कैसे टाइम निकालना है अपनी वॉक के लिए और अपने वर्कआउट के लिए, ताकि हम इस टारगेट को अचीव कर सकें। तो अभी हो रहा है 11:30, आधा घंटा है हमारे पास अपना पोस्ट वर्कआउट मील लेने के लिए, रेडी होने के लिए और बैठने के लिए ऑफिस के काम के लिए। फिर हम हो जाएंगे बिजी, आपसे मिलूंगा मैं लंच टाइम पर, तब तक के लिए बने रहिए। पसीना देख रहे हैं, पसीना नहीं है, फैट है, पिघल रहे हैं, बने रहिए। ये हमारा पोस्ट वर्कआउट मील, और पोस्ट वर्कआउट मील में हम ले रहे हैं उपमा। काफ़ी दिनों बाद उपमा ले रहे हैं, और ये देख रहे हैं क्या धुआं जमा हो रहा है इसके ऊपर, क्योंकि ये गर्मा गर्म साफ़ करते हैं इसको, लेंस को। ये देखिए, ये है एप्पल और ये है उपमा, इसको करते हैं फटाफट फिनिश और लेते हैं अपनी मेडिसिन और बैठते होंगे ये पहले काम करने के लिए। नहाएंगे अब थोड़ी देर बाद, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो दोस्तों, दोपहर का 3 बज चुका है, लंच का टाइम हो गया है, लंच का टाइम भी हो गया, लंच भी कर रहे हैं, क्या बात है। 2 घंटे लेट है हमें, 1 से 2 बजे तक कर लेना चाहिए वैसे। सो अब फटाफट लंच करेंगे और लंच करने के बाद बैठेंगे फिर से काम करने के लिए। आज एक्चुअली मंडे है और आज भयानक मंडे है, बैक टू बैक मीटिंग्स चल रही हैं, काम चल रहा है और हम डिस्कशन से उठ नहीं पा रहे हैं। मेरे पास है केवल 25 मिनट, क्योंकि 3:05 शायद पहले ही हो चुका है। 3:05 में मुझे 25 मिनट मिलते हैं जिसमें मैं खाना खा लूँ। खाने में क्या खा रहा हूँ मैं दिखाता हूँ आपको। और ये जो टाइम मैंने कॉल आउट किया 25 मिनट, ये बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि अब जब हम खाना खा रहे हैं वो अच्छे से च्यू करें खाना, तो थोड़ा टाइम लगता है खाने में। हम जल्दी से ढकेल के नहीं खा सकते कि मतलब बस खाया, टारगेट अचीव किया, ख़त्म किया जैसे हम पहले खाते थे। हमें थोड़ा टाइम चाहिए होता है इसको ठीक से खाने के लिए, च्यू करने के लिए, ताकि ये अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। तो खाने को च्यू करना है अच्छे से। तो मैं दिखाता हूँ खाने में क्या खा रहा हूँ। एज ऑलवेज खाने की शुरुआत कर रहे हैं सैलेड से और उसके बाद खा रहे हैं खाना, तो देखिए फिर। सो सैलेड में हमारे पास टमाटर और ये है मूली, ये रहा इसका टॉप डाउन व्यू। साथ में आधा नींबू भी है जिसको हम यूज़ कर लेंगे, डाल लेंगे इसके अंदर। और फिर आते हैं हम यहाँ पर, ये है दाल अरहर विद लौकी, देखिए दिखाई दे रही है आपको कितनी थोड़ी सी क्वांटिटी है। और ये है कमल डंडी की सब्ज़ी, ये आप पहचानते होंगे, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी फाइब्रस है। और इसके साथ में छोटा सा एक आलू का टुकड़ा इसके अंदर। ये है हमारे पास खीरे का रायता, ये हैं 2 मल्टीग्रेन आटे की चपाती, और ये हैं ढेर सारे राइस। देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो यही हमें खाना है और इस खाने के बाद बैठते हैं काम करने फिर से, और आपसे मिलेंगे थोड़ी देर बाद, बने रहिए और आप भी खाना खा लीजिए। सो दोस्तों, रात का 8:30 बज रहा है, हम निकल रहे हैं अपने ब्रदर इन लॉ के मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी में। सो बाहर है खाना, हम नहीं खाएंगे, चिंता मत करिए, आपको दिखाएंगे, लेकिन जाएंगे बस इन्जॉयमेंट करेंगे, साथ देंगे और वापस लौट आएंगे। खाना भी खाया नहीं है, लौट के हम खाना खाएंगे, बट आज जाना ज़रूरी है और करते हैं इसको इन्जॉय, आपको दिखाएंगे जहाँ भी जा रहे हैं। और शाम को हमने 1 घंटे की वॉक की थी, उसमें कितने स्टेप्स हुए अभी चेक नहीं करें। होपफुली वील बी एबल टू क्लोज द डे एट 20,000 स्टेप्स, इट डिपेंड्स कि कितने बजे हम वापस आते हैं, बट कोशिश आज ये रहेगी कि 20,000 स्टेप्स का टारगेट हमारा आज का पूरा हो जाए। और बस अब निकलते हैं फटाफट, अगर ट्रैफिक नहीं मिलता तो हम सही समय से पहुंच जाएंगे, और वहां पहुंच के आपको दिखाते हैं कहां जा रहे हैं, क्या प्रोग्राम है, मिलते हैं आपसे। ये भी दिखाएंगे खाने में क्या क्या है, देखने में तो कोई बुराई नहीं है। तो रेस्टोरेंट में खाने की टेबल का नज़ारा कुछ इस तरह से, सभी की प्लेटें लग चुकी हैं और फैमिली मेम्बर्स ने स्टार्ट कर दिया है अपना डिनर। मैंने थोड़े से लिए थे फ्रूट्स, थैंकफुली फैमिली मेम्बर्स घर से ले आए थे, इसके अलावा मैंने खाने में कुछ नहीं लिया। ये नज़ारा मेरी प्लेट का, ये प्लेट ऐसे ही रहने वाली है, कोई बात नहीं, एक बर्तन कम धुलेगा आज। अब टाइम हो चुका है निकलने का, घर मिलते हैं। बातों में और फोटोग्राफी में टाइम का पता ही नहीं चला और रात का बज गया 11:11 बजे। रोडे देख रहे हैं आप कितने सुनसान हो चुकी हैं, कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, बट हम निकल चुके हैं अपने घर की तरफ और थोड़ी देर में हम पहुँचने वाले हैं घर, और घर जाके करेंगे आपसे बात। पहले खाएंगे खाना और फिर करेंगे आपसे बात, नहीं 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 पहले करेंगे वॉक, करेंगे स्टेप्स पूरे, फिर खाएंगे खाना और फिर करेंगे आपसे बात। तो जी हाँ, घर पहुँचते पहुँचते टाइम आ चुका है आपसे बात करने। तो बज गया रात का 12, घर तो हम आ गए थे करीब 11:05 पर, लेकिन हमारे क्योंकि स्टेप्स पूरे नहीं हुए थे इसलिए हमने डिनर नहीं किया था, हम अपने वॉक करके स्टेप्स कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे थे। अब बज चुका है 12, स्टेप्स के बारे में बताऊँगा अपडेट आपको खाना खाने के बाद, डे को कंक्लूड करते टाइम। फिलहाल हम खाना जा रहे हैं, खाने में क्या खा रहे हैं वो दिखा देता हूँ आपको। खाने में ले रहे हैं हम रायता, कमल डंडी की सब्ज़ी, शिमला मिर्च, और ये है 2 मल्टीग्रेन आटे की चपाती, इसको कर लेते हैं फिनिश और उसके बाद करेंगे आपसे बात, बने रहिए। सो फाइनली आज का दिन हो चुका है कंक्लूड, हमारे स्टेप जो हैं वो हैं 21,900 एंड समथिंग स्टेप्स,
और हमारी जो कैलोरीज बर्न है वो भी हो चुकी है 950 कैलोरीज बर्न। सो आज का दिन भी हमारा कंक्लूड हो चुका है, हमारा टारगेट हो गया अचीव, बट हमारा जो पेन है वो एज इट इज़ बना हुआ है। मेडिसिन ले रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो आज हम गए थे एक पार्टी में, उसका थोड़ा सा मैंने आपको दिखाया कि हम कहाँ गए थे, डिनर चल रहा था। सो मैं बस इतना ही बोलूँगा कि थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल करने की ज़रूरत है, इस तरह के ओकेजन्स आते रहेंगे। लेकिन अगर आपकी कोई मेडिकेशन चल रही है या आपका कोई कमिटमेंट है कि आपको अपनी डाइट फॉलो करनी है, तो डिस्पाइट ऑफ द सिचुएशन यू नीड टू मेक श्योर कि यू स्टिक टू योर प्लान। तो जो भी सिचुएशन है उसके रिगार्डलेस आपको अपने प्लान के साथ, अपने कमिटमेंट के साथ स्टिक रहना है, क्योंकि अगर आप स्टिक नहीं करेंगे अपने कमिटमेंट से तो अपने गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। और मेरा मानना यह है कि कोई भी चीज़ धीरे धीरे नहीं छोड़ सकते, आप आपको छोड़नी है तो आप एक साथ छोड़ दीजिए। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं ये सोचूं कि आज कर लेते हैं, आज खा लेते हैं, कल नहीं खाएंगे, कल से परहेज कर लेंगे, तो वैसा नहीं होता है। जब आपने कोई चीज़ नहीं खानी है उसका मतलब आपने चीज़ नहीं खानी है, और अगर आप अपने कमिटमेंट पर रहेंगे तो आपको रिजल्ट शायद ज़्यादा फास्ट मिलेंगे। तो हमें भी अपने कमिटमेंट को मान के चलना है। मैंने आपको ऐसे कई ओकेजन दिखा दिए जहाँ मैं बाहर गया हूँ, पार्टी में गया हूँ या ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन खाना मैं केवल घर का खा रहा हूँ, बाहर का मैंने कुछ भी नहीं खाया है। क्यों? क्योंकि वो हमारा कमिटमेंट है और हमारे लिए नुकसान होगा अगर हम बाहर का खाएंगे तो। और हमें अपने कमिटमेंट पर ही रहना है, हमें घर में वर्कआउट करना है, घर का ही खाना खाना है और अपना वज़न कम करना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको बात समझ में आ रही होगी या वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप उसे पूछ सकते हैं, और आप चाहें तो इसको अपने किसी फैमिली मेम्बर या अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और जिनका आपको लगता है कि वेट कम करने की ज़रूरत है। मिलते हैं आपसे कल ट्यूसडे के दिन एक नई शुरुआत के साथ, नए कमिटमेंट के साथ, बट टारगेट वही 20,000 स्टेप्स का जैसे करना होगा पूरा। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान। गुड नाइट।